नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब NCERT सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल का वन लाइनर पढ़ेंगे। और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 पढ़ेंगे, और उसका पार्ट नंबर है पहला पार्ट, और आपका चैप्टर नंबर 14 आपका होएगा आज ऊर्जा। ठीक है, तो एनर्जी से आपका जो भी यहाँ पर दिया गया है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या इम्पॉर्टेंट वन लाइनर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14, ऊर्जा एनर्जी। तो यहाँ पर आपका दिया है ऊर्जा संसाधन, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो आपका नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायो गैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शेल गैस। भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है। पहला तापीय, उसके बाद जलीय, उसके बाद वायु, उसके बाद आण्विक। ठीक है, तो तापीय सबसे बड़ा, उसके बाद जलीय, उसके बाद वायु और उसके बाद आण्विक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना है। काकरा पारा परमाणु विद्युत संयंत्र, तो काकरा पारा एटॉमिक पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित है। तो आपका गुजरात में स्थापित है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका गुजरात है। पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है। तो आपका गुजरात में। भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों फॉसिल्स फ्यूल्स पर निर्भर है, और भारत की
कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से 69.4% ताप विद्युत, इसमें कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस शामिल है और जिसमें से 14.8% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 13.9% पन बिजली से एवं 1.9% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है और इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों 10% का भी पर्याप्त महत्व है। राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह पावर हाउस कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोटा राजस्थान में। पवन ऊर्जा विंड एनर्जी के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु का। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? तो आपका थोरियम है। भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो गोंडवाना तंत्र, गोंडवाना सिस्टम। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका झारखंड में। नेक्स्ट आपका है विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित है। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयले की खाने मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो झरिया में। लिग्नाइट कोयले
के विशालतम भंडार किस राज्य में? तो आपका तमिलनाडु में, श्रीरामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो वर्ष 1970 से 1980 के मध्य। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित पेशों में हुई है, ठीक है? तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? ये जो आपका बॉक्स दिया गया है उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ आपका वन लाइनर पढ़ेंगे। तो विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। भारत में तेल के अन्वेषण ऑयल एक्सप्लोरेशन का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से होता है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो मुंबई हाई से। KD KG D6 बेसिन में किस खनिज के बृहत भंडार है? तो आपके प्राकृतिक गैस का। कुंडन कुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया माकुम आसाम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई सी है डिगबोई आसाम। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? रावत भाटा राजस्थान में है। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? खंबात की खाड़ी महत्वपूर्ण है। भारत में कुल उत्पादित
विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी का कितना अंश है? 2.1%। इंडियन भूटान में भारत के सहयोग से संकोच मांग देचु चुखा तथा ताला जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। भारत में मैंगनीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अवरक के तीन प्रमुख किस्में कौन सी है? तो श्वेत अवरक, पीत अवरक एवं श्याम अवरक। भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है, तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा जल विद्युत प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार के ऊर्जा का है? उसमें यह थर्मल और उसमें यह ऊर्जा थर्मल एनर्जी का है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो भावनगर गुजरात में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? रूस के। सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, तो देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोक में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत का दूसरा ऐसा देश होगा, भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। एंथ्रासाइट कोयले की सर्वोत्तम किस्म है?
जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95 प्रतिशत तक होती है। तो हमने आपका जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइनर था हमने कंप्लीट किया। कल हम जो भी आपका इम्पोर्टेंट बॉक्स दिया गया उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।